अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। वो सुबह कभी तो आएगी, इस नज़म के दूसरे हिस्से की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। ये हिस्सा तीन बंदों पर मुश्तमिल है और इसमें से पहले बंद की बात हम इस वक्त कर रहे हैं। ये बंद नंबर 8 है। अब तक हम उम्मीद की बात कर रहे थे, अब तक एक तवक्को की बात की जा रही थी कि वो सुबह कभी तो आएगी, एक ख्वाब। ये हिस्सा यकीन है और इसमें अब अपने ऊपर एतमाद की बात। वो सुबह कैसे आएगी, कौन लेकर आएगा? वो सुबह हम ही से आएगी। अब जो इसका उनवान है या जिसका जो तारुफी मिश्रा है वो तब्दील हो गया। वो सुबह हम ही से आएगी, उसको वो नया खूबसूरत सवेरा कोई बैरूनी कुव्वतें नहीं लाएंगी। ये आज़ादी हमें किसी ने तोहफे में नहीं देनी। इस नई दुनिया की तामीर करने के लिए कोई फरिश्ते ज़मीन पर नहीं उतरेंगे और ना ही जुल्म करने वालों के दिलों में अज खुद कोई रहम का मादा पैदा होगा। इस सुबह की तामीर हमने करनी है, इसके लिए जद्दोजहद, इसके लिए कोशिश हमने करना है। हमें खुद वो काम, वो सिमत मुतय्यन करना होगी कि जिसके ज़रिए इस खूबसूरत सुबह का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। ये कोई बिन मांगे बिन मोल मिलने वाली दौलत नहीं, ये तो एक ऐसा काम है कि जिसके लिए हमें तन मन धन की बाजी लगाना होगी, कुर्बानियां देना होंगी, हमें खुद जद्दोजहद करना होगी, अनथक मेहनत करना होगी, तब वो सुबह आएगी। जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप खरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सुबह को हम ही लाएंगे। वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। अजीज सलवा बात के है कि जब धरती करवट बदलेगी, जब लोगों के रवैये तब्दील होंगे, जब एहसास तब्दील होंगे कि जब एक नई सुबह की उम्मीद यकीन में बदल जाएगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे। अब कैद से कैदी छूटना ये एक इस्तलाह भी है और एक हकीकत भी है। देखिए, इस्तलाही तौर पर ये तसव्वुर कि लोगों की ज़हनियत गुलाम नहीं होगी, कि जब इंसान ये महरूम तबकात अपने दिलो दिमाग में ये बात जान लेंगे, मान लेंगे, जमा लेंगे कि हमने गुलाम नहीं रहना, हमने कैदी बन के नहीं रहना, तब ये सुबह तुलू होगी। कि जब ज़हनी गुलामी का जवा गर्दन से उतार फेंका जाएगा, तब ये सुबह आएगी जब
धरती करवट बदल लेगी, एक सी चेंज आएगी, एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया सामने आ जाएगी। देखिए, इश्तराकियत या कम्युनिज्म उस जमाने के मरवजा पैमानों से या मरवजा निज़ाम के हवाले से एक बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम था। जमाने ने करवट बदली थी, जो था, जो अंदाज था सोच का, काम का, वो 100% तब्दील कर दिया गया था। इसलिए जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, कैद से कैदी छूटना ज़ाहिर हकीकत भी है कि जो लोग वाकई जिस्मानी तौर पे सच बोलने, हक मांगने, आज़ादी का मुतालबा करने के जुर्म में कैद हैं, जिनको जेलों में बंद कर दिया गया है, जब कैद से कैदी छूटेंगे। इसलिए ये लफ्ज़ इस्लाही तौर पे भी समझा जाए और मानवी तौर पे भी समझा जाए। जब पांव खरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, पाप गुनाह, पाप खरौंदे, जब गुनाह के घर ख़त्म हो जाएंगे, पाप खरौंदे फूटेंगे, जब गुनाह को गुनाह समझा जाएगा, जब किसी बुराई को अच्छाई समझकर इख्तियार नहीं किया जाएगा, जब दुनिया ये मानेगी कि ये बुराई है, काले करतूतों पर शर्माएगी, जब पाप खरौंदे फूटेंगे, जब जुर्म करने वालों को, जुल्म करने वालों को, गुनाह करने वालों को उनके जुल्म, जुर्म, गुनाह की सजा मिलेगी, वो सुबह तब आएगी जब जुल्म के बंधन टूटेंगे। बंधन शक्ल्स, जब जुल्म की बेड़ियां टूट जाएंगी, जब जो जहां जहां जुल्म ने एक कानूनी सूरत अख्तियार कर ली है, एक डिफेक्टो फोर्स की सूरत अख्तियार कर ली है, जब वो टूट जाएगी, जब लोग जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होंगे, जब वो अपने आप को बेड़ियों से आज़ाद कर लेंगे, उन अपने जहन की और जिस्म की गिराहों को खोल देंगे, वो सुबह तभी आएगी। इस सुबह को हम ही लाएंगे कि तब्दीली हमारे अंदर से पैदा होना है, कोई और हमें आकर आज़ादी अता नहीं करेगा। इसके लिए हमें अपने कल्ब व जिगर को तवाना करना होगा, हमें अपनी सोचों को तब्दील करना होगा। अगर हम खुद अंधी तकलीद करते हैं, अगर हमने अपने दिलों में बुत बनाकर सजा लिए हैं, वो शख्सियत का हो, वो वफा का हो, वो किसी समाजी रवैये का हो, वो कबीले, बरादरी, सूबे का हो, वो किसी कौम से, किसी शख्सियत से मरूब होने का हो, जब तक ये बुत नहीं टूटते, जब तक हमारी अपनी सोचें आज़ाद नहीं होती, जब तक हम खुद इंडिपेंडेंटली आज़ादी से, खुद मुख्तारी के साथ अपने फैसले खुद करने के काबिल नहीं होते, उस वक्त तक सुबह नहीं आ सकती। और जब हम ये तब्दीली अपने दिलों में, अपने दिमागों में ले आएंगे, तो ये सुबह भी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।